सो है गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ, यानी बेस्ट जो आपके लिए ये टीवी हो सकते हैं ना, वो आपको यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। इस टाइम मैं यहाँ पर इस टाइम की बात करने वाला हूँ, एंड यहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस में, यानी आपको मैं टॉप फाइव आपको यहाँ पर 32 इंच वाला टीवी है ना, उनको यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस 32 इंच है ना, वो यहाँ पर बजट के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर टीवी का साइज़ माना जाता है, और इंडियन यूज़र्स को यही साइज़ सबसे ज़्यादा यानी बेटर लगता है, यानी उनका कम बजट है ना, तो वो अपने लिए बेस्ट जो टीवी है ना वो बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन हो जाता है 32 इंच वाला टीवी। बट आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न कहाँ पर आ जाती है कि आपको यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपको, जैसा कि मैंने बताया, बेटर टीवी आपको यहाँ पर नहीं मिल पाता है, एंड यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग फिर उसके यहाँ पर रिसर्च नहीं करते, और उसके बारे में आपको यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, फिर आप यहाँ पर मार्केट में जाते हो और ऐसे कोई टीवी बाय कर लेते हो। बट टीवी आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 ईयर यूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वहाँ पर आपका इतने दिन तक एक टीवी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, तो वहाँ पर आपको एक बेस्ट जो टीवी है ना वो नहीं मिले, तो फिर आपका यहाँ पर कोई उस टीवी को बाय करने का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पर बेस्ट प्राइस में यानी बेस्ट स्पेक्स के साथ आपको जो 32 इंच वाले टीवी है ना वो आपको सजेशन करने वाला हूँ, एंड वो आपके बजट के अकॉर्डिंग उनमें जो स्पेशल देखने मिलेंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो के देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऑल पर प्रेस कर दो, एंड लाइक जरूर से करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेडमी स्मार्ट टीवी, जो कि हमारे लिस्ट के नंबर वन पर आता है। ये ब्रांड आपको देखने के लिए मिल जाता है इसका, रेडमी। आपने इसके फ़ोन भी काफ़ी सारे यूज़ कर रखे होंगे, तो यहाँ पर आपका ये टीवी है ना रेडमी की तरफ से, तो यहाँ पर आपको बेजलेस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, यानी काफ़ी स्मॉल बेजल देखने के लिए मिलते हैं इसके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। एंड प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसमें जो बॉडी यूज़ की गई है ना वो आपको यहाँ पर प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला 32 इंच का। यहाँ पर आपको HD रेडी आपको यहाँ पर विथ 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको कॉन्टेंट वॉचिंग करते समय काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस करवाता है। उसके साथ गाइस, यहाँ पर आपको 10 बीट का VA DLED पैनल देखने लिए मिल जाता है, जहाँ पर आपको इसमें कंटेंट वॉचिंग करते समय आपका एक्सपीरियंस होगा ना, यानी कलर सैचुरेट एकदम नेक्स्ट लेवल का देखने लिए मिलेगा इस टीवी के साथ। एंड गाइस, यहाँ पर आपको बेटर क्वालिटी के लिए ये अच्छी मानी जाती है डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको बेटर डिस्प्ले देखने लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको 175 का आपको यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाता है, HD चैनल देखने के लिए काफ़ी बेटर देखने के लिए ये ब्राइटनेस जो बेटर देखने के लिए मिलती है। स्पीकर साउंड क्वालिटी के लिए गाइस, यहाँ पर आपको 20 वाट के स्पीकर का यूज़ किया गया है, जो कि आपको अच्छी खासी वॉल्यूम पर यानी प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। डॉल्बी जो ऑडियो का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ गाइस, अब यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें, तो गाइस पावरफुल 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर का यूज़ हुआ है यहाँ पर गाइस, माली G31MP2 का GPU देखने के लिए मिलता है। उसके साथ गाइस 8GB का आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। एंड प्राइजिंग की बात करूँ ना, तो गाइस इसका एक्चुअल प्राइस है ना वो आपको यहाँ पर यानी 16,000 रुपये देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस होना चाहिए 14,500 से, इसका प्राइस होना चाहिए 15,000 रुपये। अगर आपको इस प्राइस रेंज में ऑफर में कहीं पर भी ये टीवी मिलता है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन देखने में मिल जाएगा, अच्छे खासे ऑफर के साथ आप उसे वहाँ से बाय कर सकते हो ऑफर में। जल्दी से नंबर 2 पर आने वाले टीवी की बात करें ना, तो गाइस वो आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला ZX2 32 इंच जो स्मार्ट एंड्रॉयड LED टीवी, जो कि आपको यहाँ पर ब्रांड इसका आपको यहाँ पर मोटो देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस, ये आपको काफ़ी बेस्ट टीवी देखने के लिए मिल जाता है, यानी ये चाइनीज़ कंपनी नहीं है सिंपली। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आप बायकॉट चाइना करते हो और आप चाइना के प्रोडक्ट नहीं बाय करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। साइड के बेजल्स काफ़ी स्मॉल देखने मिल जाते हैं, बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल जाती है इसकी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इसे ज़मीन पर यानी पटक कर देखो, यानी इसे गिरा कर देखो, ऐसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिलेगी, वरना आपका यहाँ पर टीवी डैमेज हो सकता है। यह आप रियल लाइफ में करने की कोशिश न करें, मेरा यहाँ पर कृपया ये आपसे सजेशन है। तो गाइस, डिस्प्ले साइज़ की बात करें, तो गाइस मोटरोला की तरफ से यहाँ पर आपको डिस्प्ले 32 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। उसी साथ गाइस, यहाँ पर आपको जो इसमें रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। एंड पैनल की बात करें, तो गाइस VA LED पैनल का यूज़ हुआ है यहाँ पर। उसके साथ गाइस, ब्राइटनेस 300 के आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाता है। बेटर साउंड क्वालिटी के लिए गाइस आपको यहाँ पर
40 वाट के जो फ्रंट में आपको यहाँ पर स्पीकर देखने लिए मिल जाते हैं विथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए गाइस यहाँ पर आपको इस टीवी में एंड्रॉयड 11 के साथ देखने लिए मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर आपको अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का फुल फ्लैश वर्जन देखने लिए मिल जाता है। 2 GB की रैम एंड 16 GB का स्टोरेज देखने लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर। उसी के साथ गाइस यहाँ पर आप बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो गाइस मीडियाटेक CA53 क्वाड कोर AT1.5 GHz का आपको यहाँ पर जो प्रोसेसर देखने लिए मिल जाता है। उसी के साथ गाइस आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप इस टीवी में क्या क्या देख पाओगे, यानी ऐप भी आप इसमें इंस्टॉल कर पाओगे, जैसे आप यूट्यूब, इंस्टा और यहाँ पर जो प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड प्राइम वीडियो, G5, इनको आप अपने यानी टीवी में इंजॉय कर पाओगे, देख पाओगे। यहाँ पर गाइस आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है, जो कि गाइस आपको यहाँ पर 5.2 GHz एंड यहाँ पर 2.4 GHz पर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको वाईफाई की स्पीड पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने लिए मिल जाती है स्मार्टफोन से कनेक्ट करने पर आपको इसकी। एंड गाइस यहाँ पर आपको जो मोटरोला ZX2 टीवी के कुछ यहाँ पर आपको जो की फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो तो या ये तो आप इंजॉय कर पाओगे, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको जो एंड्रॉयड टीवी का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है, जहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट का एंड यहाँ पर क्रोमकास्ट इनबिल्ट का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। उसी के साथ गाइस बॉक्स में अब यहाँ पर आपको टीवी रिमोट कंट्रोल वॉल माउंटेड स्टैंड देखने लिए मिल जाता है बॉक्स में, एंड यहाँ पर 2AA जो बैटरेस एंड यहाँ पर डेस्कटॉप स्टैंड एंड यहाँ पर 2 जो स्टैंड जो स्क्रूज एंड यहाँ पर क्विक सेटअप पुस्तिका, यस पुस्तिका देखने लिए मिल जाती है, पावरफुल केबल का सपोर्ट देखने लिए मिल जाता है। उसके साथ गाइस अब यहाँ पर कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पर मोटरोला की तरफ से यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट्स एंड यहाँ पर आपको जो 2 USB एंड यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी देखने लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्राइस होने वाला है ना वो 90,000 रुपीज़ के प्रोक्स, यस 19,000 रुपये के प्रोक्स इसका प्राइस देखने लिए मिलने वाला है। बेस्ट बाइक लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन देखने लिए मिल जाएगा, अच्छे खासे ऑफर के साथ वहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर नंबर जो थर्ड पर आने वाले टीवी की बात करना, तो गाइस वो आता है हमारे लिस्ट के नंबर थर्ड पर सैमसंग का टीवी। यस सैमसंग का टीवी मैंने ऐड किया है बिकॉज यहाँ पर आपको ये भी आपको यहाँ पर जो बाई गुड चाइना देखने लिए मिल जाता है, यानी ये आपको चाइना का टीवी नहीं देखने लिए मिलता। तो गाइस यहाँ पर आपको मैंने इसे ऐड करने का यही रीज़न हो जाता है सिंपली, आप मान लो कि ज़्यादातर ये वीडियो देख रहे हैं ना उनमें से कुछ लोग यहाँ पर चाइना वाले जो प्रोडक्ट हो गए उनको यहाँ पर बाय करना प्रेफर नहीं करते, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है टीवी। तो गाइस 32 इंच वाले टीवी में सेगमेंट में सैमसंग की काफ़ी सारे टीवी यहाँ पर अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में, बट मैंने यहाँ पर जो बेस्ट जो परफॉर्मेंस के लिए आपको जो टीवी देखने लिए मिलते हैं ना सबसे बेस्ट वो आपको मैं ऐड किया हूँ और वो ही आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर इस लिस्ट में ओनली 2 TV को ही ऐड किया है जो कि सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, यानी इंडियन यूजर्स के द्वारा उन्हें बाय किया जाना सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके साथ गाइस यहाँ पर सैमसंग, जैसे कि आपको यहाँ पर मालूम है सैमसंग का आपको यहाँ पर सैमसंग 32 इंच वंडर 10 मेंट आपको जो सीरीज देखने लिए मिलते हैं ना वो आपको कितनी ज़्यादा इंडिया में यानी इंडियन यूजर्स द्वारा यानी खरीदी जाती है। उसी के लिए गाइस यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज की बात रहते हैं, तो गाइस उसमें आपको यहाँ पर 32 इंच का 60Hz के साथ डिस्प्ले देखने लिए मिल जाता है, 280 nits का आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने लिए मिल जाता है, एंड गाइस बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको यहाँ पर 20W के स्पीकर देखने लिए मिल जाते हैं, डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड देखने लिए मिल जाता है, एंड गाइस उसके साथ ही स्टीरियो सराउंड का सपोर्ट भी देखने लिए मिल जाता है, यानी आपको टीवी में जो भी कंटेंट वॉच करोगे ना तो आपको यहाँ पर रियल जो वॉल्यूम का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स में ऑल जो कनेक्टिविटी पोर्ट्स इसमें अवेलेबल रहेंगे सैमसंग की तरफ से, 2 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट एंड वाईफाई USB, 1.5 GB रैम एंड 8 GB का स्टोरेज, जो कि काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज की कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है अपनी टीवी में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 8 GB इनफ होता है तो वो आपके इसमें मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इस सैमसंग इस टीवी की तरफ देख सकते हो। सपोर्टेड ऐप्स की बात करें ना, तो गाइस इसमें आपको ऑल जो ऐप्स का सपोर्ट देखने लिए मिल जाएगा, यूट्यूब, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, रूट गिट्स ऐप एंड यहाँ पर सबका ऑप्शन देखने लिए मिल जाएगा। रिमोट कंट्रोल में गाइस आपको हम नेटफ्लिक्स एंड यहाँ पर जो G5 एंड यहाँ पर जो इसके अलग अलग ऑप्शन देखने लिए मिल जाते हैं, जिससे आप इसमें डायरेक्ट इनको यानी अपनी टीवी में ऑन कर सकते हो। बेस्ट बैंक लिंक जैसा कि आपको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, एंड प्राइस होने वाला है ना इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको यहाँ पर देखने लिए मिलता है 18,000 रुपये।
इस टाइम, बट ये ऑफर में आपको यहाँ पर 14,000 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप इसे डेफिनेटली बाई कर सकते हो इस प्राइस रेंज में। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सैमसंग की तरफ से ये आपके लिए। अब नेक्स्ट आता है ना, वो आता है सोनी की तरफ से, ये सोनी स्मार्ट 32 इंच जो एंड्रॉयड LED TV 32 इंच में आपको यहाँ पर IPS LED पैनल प्रोवाइड करने वाला ये बेस्ट ब्रांड देखने लिए आपको मिलता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपको यहाँ पर बेस्ट अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल होते हैं ना वो सोनी के जो TV को यूज़ कर रखे होंगे अपने लाइफ में, तो उसका एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बताऊँ ना, तो आपको यहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस करवाने के लिए आपको यहाँ पर IPS LCD पैनल का यूज़ हुआ है, जो कि आपको एकदम गुड लुकिंग आपको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड करता है TV के कंटेंट वॉचिंग करते टाइम। उसके साथ गाइस इस प्राइस में ये LED है ना, जो स्मार्ट LED TV है, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है डिस्प्ले के टाइप में। इसकी पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर 275 से 290 के बीच आपको यहाँ पर देखने लिए मिल जाती है इस TV की में। आपको यहाँ पर आपको सोनी ने IPS LED पैनल एंड यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस के साथ इस प्रकार से सेट किया है कि आपको यहाँ पर कंटेंट कंज्यूम करते टाइम आपको कुछ भी यहाँ पर आप सीरियल मूवी इंजॉय कर रहे हो तो नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। गाइस पिक्चर क्वालिटी भी आपको इसकी काफ़ी बेटर देखने में मिलती है। उसी साथ गाइस 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ये काफ़ी स्मूथ आपको जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करने वाला है, और बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए 20W के स्पीकर आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा सराउंड करते हैं, एंड यहाँ पर आपको बेस भी है उनमें हाई देखने के लिए मिल जाता है। इस TV को बाय करके आपको अपना जो बजट है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस TV को डेफिनेटली थोड़ा तो बजट आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको फीचर देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका प्राइस होने वाला है ना 30,000 रुपये के अप्रोक्स इसका प्राइस होने वाला है, एंड यहाँ पर आपको 28,000 रुपये के प्राइस में अगर मिल जाता है तो आप इसे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप इसे 99% आप यानी 100% आप मान लो इसे कंसीडर कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन हो सकता है ये आपके लिए सोनी की तरफ से। तो चलेगा इस अब यहाँ पर 32 इंच वाले अब यहाँ पर 5 नंबर पर आने वाले TV की बात रहे ना, तो गाइस वो आता है हमारे पास LG LM560। यस ये आपको ब्रांड इसका LG देखने लिए मिल जाता है जो कि पॉपुलर LG की तरफ से आपको यहाँ पर 32 इंच में आपको यहाँ पर LM560 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। यस तो गाइस आपको LG का TV बाय करना था ना, तो मैंने आपके लिए यानी एक ही ब्रांड के TV को यहाँ पर ऐड नहीं किया, यानी सभी जो बेस्ट ब्रांड है जो इंडिया में TV लॉन्च करते हैं ना उनमें से बेस्ट आपको TV कौन कौन सा देखने लिए मिलता है तो वो आपको मैंने ऐड किया हूँ, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रांड के यहाँ पर TV सजेशन कर रहा हूँ। तो LG की तरफ से यहाँ पर आपको LG LM56 आपको नंबर 5 पर आने वाला TV हो जाता है, ब्रांड इसका आपको यहाँ पर LG देखने लिए मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप में से LG का नाम सुनते ही काफ़ी सारे लोग तो इसे बाय करने की यानी सोच लेते हो, एंड यहाँ पर मैं इसे स्पेक्स बताऊँगा ना तो वो आपको बेटर देखने लिए मिलेंगे। तो मैं आपको स्पेक्स बताऊँ तो गाइस आपको 32 इंच का डिस्प्ले साइज 60Hz का आपको यहाँ पर IPS LED पैनल देखने लिए मिलता है, एंड गाइस यहाँ पर आपको अच्छे खासे साउंड के साथ स्पीकर देखने लिए मिल जाते हैं, बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने लिए मिलते हैं। प्राइस होने वाला ना वो 90,000 के अप्रोक्स इसका प्राइस होने वाला है। यस 19,000 रुपये के नीचे अगर अभी ये TV आपको मिलता है मार्केट में या ऑनलाइन मिलता है तो आप इसे ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो गाइस बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन देखने में मिल जाएगा, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि क्या आपको इन जो 5 TV में हैं इनमें से आपको यहाँ पर कौन सा TV है वो सबसे बेटर ऑप्शन लगा, एंड गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड लाइक जरूर कर दें, बिकॉज गाइस मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके डेस्क पर लेकर आता रहता हूँ, एंड गाइस मैं मिलता हूँ उसे कोई और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस ऑलवेज स्माइल एंड अच्छे कॉन्टेंट वॉच करते रहे TV में।